निशाना लगाते हैं या शूटिंग करते हैं वो किस पे करते हैं, किसी चीज पे करते हैं, किस पे शूटिंग करते हैं? एब्सोल्युटली, इसको एक टारगेट स्पॉट बोला जाता है क्योंकि आप एक फिक्स्ड टारगेट के ऊपर एम करके शूट कर रहे हो। इसके अलावा एक मूविंग टारगेट शूटिंग भी होती है, जैसे कि ट्रैप एंड स्किट, आपने देखा होगा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उन्होंने जो इवेंट में मेडल जीता है ओलंपिक्स में 2004 में, वो था स्किट शूटिंग, ट्रैप एंड स्किट शूटिंग जो होती है, उसमें मूविंग टारगेट होता है। बेसिकली एक क्ले डिस्क होती है, क्ले से बनी हुई, उसके अंदर कलर फिल किया हुआ रहता है, वो ऐसे थ्रो किया जाता है और फिर बाद में उस पर शूट करते हैं। तो एयर पिस्टल और एयर राइफल में शूटिंग में क्या मेजर डिफरेंस क्या होता है? एयर राइफल एंड एयर पिस्टल शूटिंग में सिर्फ एक दो तीन डिफरेंस ही है। जैसे कि सबसे पहले पिस्टल शूटिंग एक हाथ से करी जाती है, दो हाथ नहीं लगाते उसमें, दूसरे हाथ का कोई सपोर्ट नहीं होता, दूसरा हाथ आपके पॉकेट में होता है। सेकेंड है राइफल शूटिंग। राइफल शूटिंग में आपके पास बहुत सारे गियर्स होते हैं, आप दो हाथ से शूटिंग करते हो। पिस्टल शूटिंग में कोई इक्विपमेंट नहीं यूज़ कर सकते, राइफल शूटिंग में बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगर कोई बाहर से एक नोवाइस पर्सन अगर जानना चाहता है कि शूटिंग क्या है, तो एयर राइफल एयर पिस्टल शूटिंग ये दोनों में मेन कैटेगरी ये है कि एक हाथ से शूट करते हैं, एक में दो हाथ से शूट करते हैं।